वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाउ टू लुक फ्रेश डेली। सो डेली आप फ्रेश कैसे लग सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ दैट कि आपको फ्रेश फील करने के लिए डेली नहाना होगा। हाँ, मजाक की बात है? नहीं, मजाक की बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ठीक है सर्दी हो रही है अभी मत नहाओ, या आज नहीं जाते या थोड़ी देर में नहा लेते हैं। तो डेली नहाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने आप को फ्रेश दिखाना है और आपको खुद ही फ्रेश लगना है तो उसके लिए, क्योंकि बॉडी जो अगर आप हेल्दी बॉडी मेंटेन करेंगे तो आप फ्रेश ही फील करेंगे। सेकेंड, आपका स्किन केयर रूटीन, आपको अपना स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करना चाहिए। स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सीरम अप्लाई करना है अपने फेस पे, आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, सनस्क्रीन अप्लाई करना है और एक न्यूड शेड लिपस्टिक लगानी है डेली यूज़ में। कहीं ओकेजनली अगर आप जा रहे हैं देन यू कैन गो फॉर द डार्क कलर्स, अदरवाइज न्यूड शेड्स पर आप जाइए। न्यूड शेड्स में पीच कलर आ जाता है। मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो बना ली हूँ कि न्यूड शेड्स कौन से होते हैं। सो न्यूड शेड्स पर जाइए आप, और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और टचअप देना है, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, सो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, आप एक ड्यूसा फाउंडेशन ले लीजिए या फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी बीबीएस सीसी क्रीम ले लीजिए। बीबीएस सीसी क्रीम जो होती है वो आप डेली यूज़ में भी अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन पर कहीं से कहीं तक वो अफेक्ट नहीं डालेंगी। तो आप क्रीम ले लीजिए, अपने फेस पर थोड़ा डॉट डॉट करके आप अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद हल्का सा काजल लगा लीजिए, मस्कारा लगा लीजिए एंड यू आर रेडी। आईलाइनर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट आई वुड सजेस्ट कि मस्कारा आप डेली यूज़ में अप्लाई ना करें, आईलाइनर चल जाता है डेली यूज़ में, क्योंकि आप ये आईलिड के ऊपर अप्लाई करेंगे दैन इट इज़ ओके, दिस इज़ नॉट दैट मच इशू फॉर योर स्किन। लेकिन आप अगर डेली मस्कारा अप्लाई करेंगे तो ये जो हेयर होते हैं ना हमारे मस्कारे के ये वाले हेयर, ये बाहर आने लगते हैं निकल के, तो ये हमारी स्किन को, ऑब्वियसली जो मस्काराज बने होते हैं वो केमिकल्स से बने हुए होते हैं तो आपकी स्किन को हार्म पहुँचा सकते हैं। तो आप लिटिल बिट आईलाइनर लगा लीजिए, काजल लगा लीजिए और न्यूड कलर की लिपस्टिक लगा लीजिए और आप फ्रेश लगेंगे हमेशा। नेक्स्ट थिंग आती है हेयर के लिए, तो अपने बालों को हमेशा ऐसा रखिए जो सुलझे हुए हों, और हमेशा सुलझे हुए अपने बालों को, नो मैटर आप क्या स्टाइल बना रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टाइल में कंफर्टेबल फील करते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, लेकिन अपने बालों को हमेशा मैनेज रखिए, उन्हें वो अच्छे लगे, उलझे हुए से ना लगे, मैसी ना लगे, और आप हमेशा फ्रेशन अप लगेंगे इस चीज़ के साथ। कभी कभी आपको बीच में अगर लगता है कि हाँ मैं थोड़ा सा मेरा जो फेस है वो डल हो रहा है, तो हमेशा अपने साथ दो चीज़ें रखिए, एक रोज़ वाटर का स्प्रे रखिए अपने पास में। कैसे बनाना है वो सिर्फ फ्रेशन अप फेस के लिए, वो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना रखा है, प्लीज़ जाइए उस जाकर उसको देखिए। तो आपको क्या करना है, स्प्रे की बॉटल के अंदर, वो मैंने बना दिया सॉरी वीडियो, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप उस स्प्रे की बॉटल लीजिए और वही सीरम जो फेस का सीरम होता है ना बना हुआ, तो आप एलोवेरा जेल हो गया या फिर रोज़ वाटर हो गया, उसको आप हल्का सा अपने फेस पे स्प्रे कर दीजिए एंड यू आर फ्रेशन अप इन ओनली 30 सेकेंड्स। सेकेंड थिंग जो है वो आप हमेशा अपने पास एक पाउडर रखिए, फेस पाउडर टचअप करने के लिए, अगर आपकी स्किन पे कहीं कहीं पे पैची पैचीनेस हो गई है और आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, देन यू कैन गो फॉर दैट, और आप हल्का सा टचअप कर लीजिए फेस पाउडर से और आप हमेशा फ्रेशन अप रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, दैट इज़ ऑलवेज यूज़ डिओड्रेंट, अच्छे डिओड्रेंट और परफ्यूम्स, क्योंकि अगर आप स्मेल अच्छी नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे लगेंगे भी नहीं। तो अच्छे लगने के लिए आपकी स्मेल का भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो अब एक अच्छा सा डिओड्रेंट ले लीजिए या फ्रेगनेंस ले लीजिए जिसे आप हमेशा अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय।